बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद खान और मारवी सरमद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मारवी सरमद अली मोहम्मद खान के साथ बदतमीजी कर रही हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान सब्र कर रहे हैं और बार बार इन्हें कह रहे हैं कि मुझे बात करने दें, बीच में ना बोलें। अली मोहम्मद खान ने फौज के हक में बात की तो मारवी सरमद भड़क उठी, अली मोहम्मद खान के साथ बदतमीजी और बदजबानी पर उतर आईं। अली मोहम्मद खान मारवी सरमद को बार बार कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी बारी पर बात कीजिए। जैसे ही अली मोहम्मद खान फौज के हक में बात करते हैं तो मारवी सरमद भड़क उठती हैं और इंतहाई बदतमीजी से कहती हैं, आप क्या तोते की तरह टाएं टाएं शुरू कर देते हैं, जाने कुर्बान करने वाले क्या आपके साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा मौका है, बूट पॉलिश करो फौरन, फौरन बूट पॉलिश, चेरी ब्लॉसम का इश्तेहार है ये लोग करने वाले को, बूट पॉलिश इसको। मारवी सरमद अली मोहम्मद खान को कहती है कि ऐसे ही टर लगाई हुई है, इनकी आदत है ये। मारवी सरमद मजीद कहती हैं कि उन्होंने जाने कुर्बान कर दी और इन्हें प्लेटफार्म खुला मिल गया। इस पर अली मोहम्मद खान कहते हैं कि मैं ऐसी खवातीन के साथ बात नहीं करता, ये खातून मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए गुजारिश है कि आप अपनी बारी पर बोलें। जिस पर मारवी सरमद कहती हैं कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मुझे अपना हक लेना आता है। सोशल मीडिया सार्फीन के मुताबिक ये वही सूरत हाल है जो खलील-उर-रहमान कमर के साथ पेश आई है। खलील-उर-रहमान कमर ने तो मारवी सरमद को खरी खरी सुना दी, लेकिन अली मोहम्मद खान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और मारवी सरमद की बदतमीजी बर्दाश्त करते रहे। सोशल मीडिया सार्फीन का मजीद कहना था कि कुछ दिन पहले मारवी सरमद ने अली मोहम्मद खान के साथ टॉक शो में बदतमीजी की तो तब किसी को अखलाकियात याद नहीं आई। अली मोहम्मद खान तो शरीफ आदमी है, बर्दाश्त कर गया, लेकिन कल खलील-उर-रहमान कमर ने इसे इसी के लेवल पर आकर जवाब दिया तो आधा पाकिस्तान अखलाकियात की दुहाइयाँ देता हुआ बाहर निकल आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब जरूर करें।